शैकी भाई जो हैं दूसरा इन्वेंट करने वाले वो हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। उन्होंने कोई टिप्स विप्स दी हैं कि ऑफ स्पिन भी बीच में कर दिया करो, लेफ्टी आ जाए। नहीं, ऐसी कोई टिप्स नहीं थी, लेकिन उनके साथ जब मैं स्ट्रगल कर रहा था 2021 के वर्ल्ड कप से पहले, तो मैंने उनके साथ काम किया, तो मुझे काफ़ी मज़ा आया था उनके साथ काम करने का, क्योंकि वो फीलिंग पे ज़्यादा रहते हैं कि यार आपकी फील अच्छा होना चाहिए। वो एक्शन का इतना आपको ज़्यादा बताते नहीं कि यार एक्शन ऐसा हो वैसा हो। अस्सलाम वालेकुम शादाब, वेलकम टू डेजर्ट वाइपर्स। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह शेबे, आप बताएं कैसे हैं। बस सब ठीक ठाक। कैसा चल रहा है सो फार? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, क्योंकि मैं अभी एक मैच खेला हूँ, लेकिन इंजरी के बाद आ रहा हूँ तो थोड़ा मुश्किल होता है, आपको पता है कि इंजरी के बाद। आप तो वैसे नहीं हो, मैं ही रोज़ रोज़ होता हूँ नहीं हाँ, लेकिन मुश्किल होता है इंजरी के बाद, लेकिन ये है कि बैक ऑन फील्ड हाँ दैट्स ये व्हाट क्योंकि मैटर्स। आप हाँ इसी चीज़ के लिए, हम इंजॉय भी इसी चीज़ को करते हैं, तो बैक ऑन द फील्ड आप हमेशा इंजॉय करते हो, तो बस शादाब से शेडी कैसे हुआ? ये सैफी भाई ने करते बस जब मैं टीम में आया तो सैफी भाई को आपको पता है वो थोड़े जज्बाती हैं, तो उनको कोई लव मिल नहीं रहा था मेरे नाम का, तो बस उन्होंने शेडी कर दिया, तो उसके बाद बस शेडी है। आउट होने के बाद किया शेडी नहीं या नहीं चौका बॉलिंग पड़ने के नहीं, बाद? मेरे दोनों पहले दो अच्छे हुए थे ना, तो सैफी भाई ने प्यार में बहुत ज़्यादा डाला, वो वरना तो किसी और चीज़ में डालते हैं उन्होंने प्यार में डाल दिया। तो आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? मुझे जो याद है वो ये है कि आप बैटिंग करते थे, फिर ये लेग स्पिन कैसे शुरू हुई? शेबे बिल्कुल, मैं बैटिंग करता था क्लब क्रिकेट में, मैं खुद कैप्टन होता था, मैं खुद भी नहीं करता था बॉलिंग, मैंने कहा नहीं ये फजूल काम, ओपन की आराम से, और कभी कभार वैसे पार्ट टाइमर आपको 2-3 ओवर करने हो तो कर। जब अंडर 16 तक ऐसे ही चलता रहा, अंडर 19 का पहला साल भी मैं जब खेल रहा था तो डिस्ट्रिक्ट खेला, डिस्ट्रिक्ट में बैटिंग में परफॉर्म किया, बॉलिंग तो की नहीं, लेकिन जो हमारे रीजन के कोच थे सभी भाई, उन्होंने कहा कि रीजन में नहीं खिलाऊंगा जब तक आप बॉलिंग नहीं करते, और डिस्ट्रिक्ट और रीजन में सिर्फ मेरे एक 1.5 महीने का गैप था, तो अब मुझे 1.5 महीने में मैंने जितनी बॉलिंग करनी थी मैंने कर ली। मैंने कहा ठीक है मैं बॉलिंग करूँगा, मैंने बॉलिंग के ट्रायल दिए, बैटिंग उन्होंने मेरे से ली ही नहीं, तो मैं सिलेक्ट हुआ। तो लेकिन मैं हम वनडे टूर्नामेंट पूरा जीते, पूरा टूर्नामेंट में टोटल 10 ओवर कराए, बैटिंग कर रहा था साथ साथ, 3 डे आया उसमें भी यही चल रहा था कि बैटिंग कर रहा था, लेकिन जो हमारे टॉप परफॉर्मर थे वो सेमीफाइनल फाइनल में नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान अंडर 19 के लिए उनका नाम आ गया, तो अब स्पिनर कोई बच्चा ही नहीं, उन्होंने कहा कि भाई अब तो बॉलिंग करनी करनी पड़े। वो 2 मैचेस में मैंने कोई 18-20 आउट कर दिए 3 डे में, तो उसके बाद बस बॉलिंग शुरू हो फिर गए। बॉलिंग शुरू हो गया। मेरी भी इसी तरह शुरू हुई थी, मैं भी बैटिंग से शुरू किया। तो उन्होंने कहा ना, जब नेट ख़त्म होने वाला हो तो वो कहते हैं कोई पार्ट टाइमर है, तो मैंने ऐसे ही हाथ खड़ा कर दिया। तो उन्होंने पूछा क्या करते हो, मैंने कहा ऑफ स्पिन। जिसको कुछ नहीं आता उसे ऑफ स्पिन हाँ जो ये है तो, ना लेकिन वो तो ज़रूर आती है। उस टाइम आप दूसरा भी करते थे ना। नहीं वो तो बाद में शुरू हुआ है, वो तो सकलैन भाई को देख देख अच्छा अच्छा के जो है वो उनसे उनसे मतलब टिप्स भी ली, फिर अच्छा उनको मैं कॉपी करता था, वो उस तरह शुरू हुआ दूसरा। लेकिन काफ़ी लेट जो है मैं उस चीज़ में आया। ये जो रीसेंट इंजरीज हैं, क्या है सीन इनका? मतलब आर यू फुली रिकवर्ड या अभी भी थोड़ा सा? क्योंकि बॉलिंग में मेरा ख्याल है कि जब लास्ट टाइम हम लोग खेल रहे थे तो आपकी इंजरी थी फिंगर पे, तो जी आर यू फुली रिकवर्ड फ्रॉम ऑल द इंजरीज या अभी भी थोड़ा सा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो रिकवर कर लिया, लेकिन वो छोटे मोटे निगल्स रहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे एक्शन की वजह से जो मेरे ग्लूट्स या ग्रोइन है उसकी वजह से वो लोड बहुत ज़्यादा आता है, तो कभी कभार अगर वो ज़्यादा मैचेस में खेलूँ तो ज़्यादा स्टिफनेस हो जाती है, स्टिफनेस के बाद वो निगल्स इंजरी की तरफ चले जाते हैं, तो बस ये कोशिश करता हूँ कि वो निगल्स ही रहें ताकि इंजरी की तरफ ना जाएँ। और ये वैसे तो शुएब भाई आपको पता है कि आप 100% तो हर मैच में हो नहीं नहीं सकते, नहीं हो सकते, लेकिन यह कि उसको और अच्छे से मैनेज किया जा बिल्कुल सकता हाँ है। अब कोशिश, क्योंकि अब थोड़ा मुझे बॉडी की अपनी समझ आ रही है कि कैसे मैं मेंटेन करके इंजरी से बच सकता हूँ। हाँ अनफॉर्चुनेटली अगर आपको बॉल लग जाता है या ऐसी चीज़ तो वो वो तो डिफरेंट, पार्ट ऑफ गेम है, वो तो किसी के लेकिन साथ ऐसे भी। कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ऐसी मसल इंजरी ना वो ऐसी ना हो नहीं वो। वो अच्छा है क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट को, कि जब आप फिट रहते हैं तो दो साइड की चीज़ें पूरी होती हैं, सिर्फ बिल्कुल बॉलिंग नहीं पूरी होती, बैटिंग वाली चीज़ जो है वो भी वो पूरी होती है। आपको ऊपर के नंबर्स पे खेलना अच्छा लगता है या आप प्रेशर
रिलीज करने के लिए जो एज अ बैटर खेल रहा हो या बैटर्स खेल रहे होते हैं, तो उनको आप ज़रा कि मैं, क्योंकि मैंने देखा है कि आप जब भी टफ सिचुएशन आती है, जब डिमांड है कि बहुत सारे रन्स बनाने हैं, सो यू ऑलवेज प्रमोट योर सेल्फ फॉर द टीम. तो आप वो प्रेशर दूसरों से हटाने के लिए वो आते हैं, या आपका कॉन्फिडेंस ही इतना हाई है कि ठीक है मैं किसी भी सिचुएशन के साथ डील कर लूँगा जा? शिविर, जब मुझे लगता है कि क्योंकि मैं नेचुरल बैट्समैन था, तो मुझे लगता है मुझे बैटिंग में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस। तो जब मैं कैप्टन भी बना, तो उसके बाद सिर्फ मेरी ये डिमांड थी, जब मुझे कप्तानी दे रहे थे तो उन्होंने, मैंने कहा कि यार मैंने ऊपर बैटिंग करनी है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, वैसे ही बोल रहा होगा। मैंने कहा जो मर्ज़ी हो जाए, हाँ 3-4 मैचेस लूँगा, अगर मैंने नहीं किया तो मैं वापस आ जाऊँगा बैक टू नॉर्मल। लेकिन पहले मैच भी, हालांकि मैं पहली बॉल पे आउट था, अपील नहीं हुई, वो वसीला बन गया, शेन ने अपील ही नहीं की, उसमें मैंने 50 किए थे। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको एक इनिंग चाहिए होती है। लेकिन वो शुएब भाई, बस मुझे अपनी, क्योंकि बैटिंग पे सेल्फ इतना ज़्यादा है कि शायद मेरे पास उतनी स्किल ना हो, लेकिन वो बिलीव सी मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी प्रेशर सिचुएशन आए या जहाँ भी टीम को मुश्किल हो, तो मैं जाके अपनी कोशिश करता हूँ कि जाके अपना इनपुट लाजमी वहाँ पे कोशिश करता हूँ, जो मेरे से, जो मेरी एबिलिटी है उससे और ज़्यादा करने की कोशिश करूँ। प्रेशर सिचुएशन में जब आप परफॉर्म करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी अलग होता है, और मुझे लगता है बड़े प्लेयर भी वही होते हैं जो प्रेशर सिचुएशन में प्रेशर अच्छा। सिचुएशन में बिल्कुल इससे बॉलिंग तो नहीं इफेक्ट होती? छे भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल मुझे पता है कि जब मैं बॉलिंग अच्छी करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा बैटिंग का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। लेकिन वो लोगों को लगता है कि जब मैं बॉलिंग में वैसे परफॉर्म नहीं होता, तो लोग समझते हैं कि यार मैं बॉलिंग में उस तरह मेहनत नहीं कर रहा। हालांकि मुझे लगता है मैं बैटिंग इतनी करता भी नहीं प्रैक्टिस में भी, क्योंकि वो नेचुरल है, तो उसको मैं उस पर इतना ज़्यादा काम ही नहीं करता कि बस जो आता है बस ठीक है बहुत है। लेकिन बॉलिंग क्योंकि मैंने सीखी है, वो उस पर और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो क्योंकि वो मैंने कोई ऐसी, मेरी बेसिक इतनी अच्छी थी नहीं बॉलिंग की, वो सिर्फ टीवी पे देखा और बस बॉलिंग शुरू कर दी जो आता था। तो अब तो मुझे अभी मेरे अपने एक्शन ही मेरा पूरा क्लियर नहीं हो रहा था इतने अरसे के बाद भी। तो मुझे लगता है वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है, और वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो हों। और जब आप नेचुरल नहीं होते तो आपको डबल मेहनत चाहिए होती है, तो बॉलिंग में मैं कोशिश तो वही करता हूँ, डबल मेहनत हो। लेकिन क्योंकि मेरे एक्शन की वजह से कभी कभार ऐसा आता है कि मैं कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर पाता, तो वो चीज़ अब थोड़ी मुझे आइडिया हुआ है कि जब तक मेरा एक्शन कंसिस्टेंट नहीं होगा तो मैं कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी नहीं होगी। तो कोशिश कर रहा हूँ कि अपने एक्शन को कंसिस्टेंट करूँ ताकि परफॉर्मेंस अच्छी हो। होगी, बिल्कुल होगी। यू आर अ गन फील्डर, कौन सी ऐसी स्पेशल ड्रिल्स है जो आप करते हो? क्योंकि मैंने देखा है कि आप बहुत क्रिकेट, हम लोग साथ में भी खेले हैं, तो किसी भी फील्ड पोजीशन पे आपको खड़ा करो तो ऐसे लगता है कि नहीं ये बंदा स्पेशलिस्ट है इस पोजीशन का। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों, जो आपने की हैं, जो आपको दूसरों से डिफरेंट दिखाती हैं, और आपको कैप्टन विदाउट इवन थिंकिंग कि आपको कह देता है भाई हॉटस्पॉट्स पे जाके आप खड़े हो? बहुत रेयर होता है, बहुत जी कम लोग होते हैं ऐसे कि वो हर हर फील्ड पोजिशनिंग पे जी वो जो है फील कर सकें, बहुत कम है। शुभे, मुझे लगता है कि एटीट्यूड, क्योंकि आप फील्डिंग को एंजॉय नहीं करोगे अगर आप डरोगे, या आप मिस फील्ड से डरते हो, या कुछ किसी भी फेलियर से आप डरते हो, तो मुझे लगता है कि आप उस तरह सक्सेस नहीं मिलती। अब मैं फील्डिंग में ऐसे कैचेस ड्रॉप किए हूँ जो मुझे लगता है कि सबसे इजी कैचेस होते हैं, लेकिन स्टिल मैं एंजॉय करता रहता हूँ कि यार ठीक है। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि कोई मुश्किल चीज़ आए मेरे पास, मैं डाई मारूं, रन आउट करूं। और ये मुझे लगता है कि जो मैं जब क्रिकेट स्टार्ट की थी, क्लब क्रिकेट, वो ग्राउंड ऐसा था कि ख़ुद को बचाने के लिए आपको अच्छा फील्डर होना पड़ता था, क्योंकि आपका कोई पता नहीं, आप साइडवेज जा रहे हो तो वो पोल लगे होते थे, हाफ पोल पे आगे से खड़ा पड़ा हो, खड़े पे लग के आपको उसको एंड टाइम तक देखना पड़ता था, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा आपको कहीं भी लग सकता है। अगर आप देख रहे हो आगे से बाइक गुजर गया है, वो आगे, क्योंकि अब मुझे ना अपना जो कैप्टन था क्लब का, वो स्वीप पे खड़ा करता था, और स्वीप दूसरी जो टीम खेल रही होती थी उसकी स्लिप होती थी स्पिनर्स की, तो जब वो इकट्ठी बॉलिंग होती थी कि यार इधर से भी बॉलर उधर से भी, तो आपको दोनों तरफ से देखना पड़ता, इधर में स्लिप की भी फील्डिंग, और काफ़ी कबार तो ऐसी होगा कि मैंने कैच पकड़ लिया स्लिप का, और हमारे दूसरों इधर ऐसे का चलता था कि हाँ ये फील्डर था। हमारे टाइम पे तो ऐसा होता था क्लब क्रिकेट में कि
वो आता है ना गन्ने का रस, हाँ वो साइकिल पे बंदा लेके आता था, तो उसने दो ऐसे डब्बे लगाए होते थे साइड पे साइकिल के, तो भरे हुए होते थे। हम तो कभी कैश निकलता था तो भागते हुए ना उसके अंदर घुस जाते ऐसे ही थे। यशो भी ऐसे, मैंने भी ऐसी फील्डिंग की है, तो मुझे लगता है उसकी वजह से मेरी बेसिक अच्छी हो गई है वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि खुद को बचाने के लिए आपको अच्छा फील्डर होना, वरना आपको वो तकरीबन हर रोज़ बॉल लगता है जो अच्छा फील्डर नहीं होता। बिल्कुल ही जो है ना ऐसे ही है। शादी के बाद कोई लाइफ चेंज हुई? नहीं यार अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि ऐसा कुछ खास चेंज नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि उसने देखा हुआ है वो फेम देखा है वो क्रिकेट, क्योंकि उसका फादर ही लेजेंड था, तो जी उसको कोई इतना मतलब नहीं, अच्छी वो चीज़ नहीं ये है। है कि वो क्रिकेट के बारे में बात ही नहीं होती। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप करना चाहते हो और ऑप्शन भी नहीं है कि मैं रूम से बाहर भी नहीं जा सकता, नहीं फिर लेकिन क्योंकि उसको क्रिकेट की ज़्यादा समझ है, क्योंकि वो फादर के साथ भी रहे, तो तब मुझे लगता है वो बात भी नहीं करती मेरे से जब, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो वो मुझे अच्छी एडवाइस देती। कैप्टनसी आप करते हैं, और उससे क्या आपकी जो अपनी बैटिंग है, बोलिंग है, उसमें कॉन्फिडेंस मिलता है, या कैप्टनसी थोड़ा सा आपका फोकस हटाती है उस चीज़ से? यू नो समटाइम आप बीइंग अ कैप्टन, आप ये सोच रहे होते हैं कि मैंने इस बॉलर को यहाँ से बॉलिंग करवानी है, मैंने इस बैटर को इस नंबर पे भेजना है, फील्ड प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए किस बॉलर के लिए, तो आप बहुत ज़्यादा, तो क्या वो अफेक्ट करती है आपकी अपने फोकस लेवल को, गेम को नहीं, जो आप बंदा खुद अपनी बॉलिंग या बैटिंग के बारे में सोच रहा हो? शायद पहले स्टार्ट जब मैंने की थी ना, उस टाइम मेरा फोकस वैसा नहीं होता था, कि मैं अपनी बॉलिंग का सोचते ही नहीं था कि यार मैंने क्या करना है, क्योंकि आप हर बॉलर का अपना प्लान होता है कि ये करना है। लेकिन मेरे ख्याल पहले 3-4 मैचेस के बाद मुझे आईडिया, मैंने खुद से बात की कि भाई पहले तो मैं खुद कुछ करूँ ना, बाद में कैप्टनसी होती रहेगी। लेकिन आपको पता है, आप एक्सपीरियंस के साथ जब आप काफ़ी टाइम से कर रहे होते हो, तो एक फ़्लो में आप चीज़ें चल रही होती है, एक बिल्कुल ऐसा डिसीजन लेना होता है, वरना तो वो आपके फ़्लो में सारी चीज़ें चल रही हो। लेकिन अब तो क्योंकि वो पता चल गया कि कब मैंने अपना प्लान करना है और कब दूसरी टीम टीम के का लिए। हाँ सोचना है, तो अब इतना नहीं है फोकस का। पहले स्टार्ट जब किया था उस टाइम थोड़ा मसला हो रहा था, लेकिन जब ऐसा ऐसा जब मैंने कैप्टनसी की है, तो उसके बाद ठीक हो गई सारी चीज़। सैकी भाई जो है दूसरा इन्वेंट करने वाले वो हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, उन्होंने कोई टिप्स विप्स दी हैं कि ऑफ स्पिन भी बीच में कर दिया करो, लेफ्टी आ जाए? नहीं ऐसी कोई टिप्स नहीं दी, लेकिन उनके साथ जब मैं स्ट्रगल कर रहा था 2021 के वर्ल्ड कप से पहले, तो मैंने उनके साथ काम किया, तो मुझे काफ़ी मज़ा आया था उनके साथ काम करने का, क्योंकि वो फीलिंग पे ज़्यादा रहते हैं कि यार आपकी फील अच्छा होना चाहिए, वो एक्शन का इतना आपको ज़्यादा बताते नहीं कि यार एक्शन ऐसा हो वैसा हो। उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी, क्योंकि जब भी मैंने काम किया था तो मोस्टली हम एक्शन की वजह से, और एक्शन चेंज करना काफ़ी हाँ मुश्किल हो मुश्किल जाता, है। क्योंकि आजकल की इतनी ज़्यादा क्रिकेट है कि आप चेंज कर ही नहीं, ऑफ नहीं। सीज़न तो आता ही नहीं है, आप खेली हाँ जा रहे खेली जा रहे। तो उनके साथ जब 2021 के वर्ल्ड कप से पहले मैं स्ट्रगल कर रहा था, उनके साथ काम किया, तो उस टाइम मुझे काफ़ी मज़ा आया, तो उसके बाद हेल्प लेते रहते हैं। अब भी जब भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, जिस तरह अभी इंजरी में था तो बातचीत हो रही थी, घर में ही आपके लेजेंड हैं जिनसे जो है ना ये भी बड़ा टिप्स ली मुश्किल है, जाना, मुश्किल है ना? मुश्किल काम है, क्योंकि उनके लेवल पे आपको रहना बड़ा मुश्किल नहीं, साकी भाई है। जबरदस्त आदमी है और फन भी बहुत करते हैं वो, तो ये तो था सीरियस वाली साइड, आपको फन एलिमेंट की तरफ लेके चलते हैं। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपने जरा जल्दी जल्दी और छोटे छोटे ठीक है मजेदार आंसर्स देने हैं। पहला सवाल है, द इंटायर रोटी ग्रुप इज नाउ मैरिड, पूरा रोटी ग्रुप जो है ना हाँ, फहीम की भी शादी, हो गई हाँ है सबकी शादी हो गई है, कोई चीज़ चेंज हुई है अब तक? उसकी, सब जब से सबकी शादी हुई उसके बाद अभी तक मिले नहीं हम लोग, तो कोई साथ में रोटी नहीं खाई अभी है? तक नहीं खाए अभी PSL में, लेकिन PSL में हसन भी चला गया, तो अब हाँ थोड़ा डिफरेंट लेकिन रोटी वही है। है। रोटी वही है, रोटी नहीं जाती गई, आज हम आ गए ना खाने वाला हाँ एक बंदा आ गया सबकी खा जाएगा अब। फील्डिंग पोजीशन यू हेट फील्डिंग एट, कौन सी ऐसी कोई स्पिनर की पोजीशन? बारी स्लिप में, स्लिप में स्पिनर क्या स्लिप वजह है? मुझे, मैं जब अंडर 16 खेल रहे थे हमारे प्रैक्टिस मैच हो रहे थे, एक ऑफ स्पिनर था, उसने आर्म आर्म बॉल किया तेज, उसने आगे से लेफ्टी बैट्समैन था उसने कट मारी, मैं इधर ही था शोएब भाई, मेरे हाथ भी ऊपर नहीं हुए, इधर आग मुझे लगा,
उसके बाद मैंने कहा नहीं, मैं खड़ा होता हूँ लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता कि यार मैं बॉल पकड़ लूंगा कभी। वो ब्लाइंड स्पॉट है ना, वो ऐसा है वहाँ पे, वो बहुत मतलब स्पिनर के बारे में जिसने बचपन से किया हो ना। सही बात है। मैं जैसे भी मुझे कोई कोच किया ना कि यार, मैंने कहा स्पिनर के बारे स्लिप नहीं, उसके सिली पे भी खड़ा कर दो, कोई मसला नहीं, स्पिनर के बारे स्लिप में नहीं। वैसे भी ओपनर जो है मोस्टली खड़े होते हैं स्लिप्स में, क्योंकि उनकी आई जो है ना वो बन गई होती है कि भाई ब्लाइंड स्पॉट पे भी आएगा बॉल तो हमारा रिएक्शन जल्दी से आएगा। आपका कोई अपना मोस्ट मेमोरेबल कैच आज तक? फिर भाई टीवी पे तो दो तीन हैं, लेकिन मुझे लगता है मैंने क्लब क्रिकेट में, जब इंटरनेशनल में नहीं आया था तो क्लब क्रिकेट में ना हमारा क्लब का मैच हो रहा था तो वो कैच पकड़ा था, अगर वो टीवी पे आता तो मुझे लगता है वो बेस्ट कैच होता। वन पाकिस्तान टीममेट यू वुड नेवर टेक एडवाइस फ्रॉम, कोई ऐसा पाकिस्तान टीम में प्लेयर जिसे आप एडवाइस नहीं लोगे? हारिस रो। इतना बुरा है? नहीं बुरा नहीं है। नहीं ऐसे में ना बड़ा, हम शादी के बाद समझदार हो गए थोड़ा, वो ऐसे में ना उसको इतना एक्सपोजर नहीं मिला था शुरू में, क्योंकि टेप बॉल से सीधा तो उसकी वजह से ना उसे एडवाइस नहीं लेनी। नहीं नहीं, वो वन एडवाइस फ्रॉम एनी फेलो और सीनियर क्रिकेटर पाकिस्तान और अदरवाइज, किससे लोगे आप एडवाइस? बहुत सारे हैं एडवाइस लेने के लिए, बहुत सारे एडवाइस देने के लिए तो सारे आ जाते हैं। हाँ, जिस पे मुझे बिलीव ही है ना, बहुत सारों पे बिलीव है कि ये बहुत है। हाँ हाँ, ये अच्छी एडवाइस देंगे। हाँ, ये अच्छी एडवाइस, लेकिन अगर वो खुद डाउन है तो फिर? मैं एडवाइस देता हूँ लेकिन वो मुझे अच्छा समझते हैं नहीं समझते वो अलग, लेकिन मैं हक पूरा अदा करता हूँ। अच्छा, इफ यू कुड ईट ओनली वन फूड आइटम फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, कोई एक ऐसी फूड आइटम क्या आपको बस ऑप्शन ही नहीं है, सारी उम्र यही खाना है? ये बड़ा मुश्किल है, एक आइटम पे वैसे नहीं जिया जा सकता, मुश्किल है। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा एंड मैचअप्स इन मॉडर्न डे क्रिकेट कितने इम्पोर्टेंट है? बहुत इजी हो गया, आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है क्योंकि आपको डेटा और मैचअप्स बता देते हैं कि आपने ऑन अ डे शायद चेंज हो जाए, लेकिन क्योंकि डेटा तो या मैचअप्स हम नहीं बनाए होते हैं, हम खेल के वो पता चल जाता है कि आज ये बनने हुए, तो इजी हो जाता है, आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो गई कि यार इस बैट्समैन को ऐसे करना है, तो आपको सक्सेस रेशो शायद ज़्यादा है, ऑन अ डे कुछ भी हो सकता है लेकिन ईजी हो गया कि आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो आसान हो गई हैं इस चीज़ से। वन पाकिस्तान टीममेट हु इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टू कन्विंस योर प्लान, कौन सा एक ऐसा आदमी है कि जिसको बड़ा मुश्किल है कन्विंस करना कोई भी प्लान देना हो अगर उसको? फखर और शहीन, दो बंदे ऐसे हैं। शहीन थोड़ा, शहीन टॉपिकल है, शहीन क्यों कर रहे हैं, फखर का तो डिपेंड करता है उसकी फॉर्म कैसी, वो गंडासा उसने पकड़ा होता है लेकिन ये है कि उसके गंडासे के बीच में बॉल आ जाती है। उसका सीक्रेट बैटिंग कोच हूँ मैं। अच्छा। हाँ, वो जब भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा हो तो मेरे से लाजमी बात कर। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। ये मैं अपने ना प्रमोशन कर रहा हूँ फ्यूचर के लिए। योर मोस्ट मेमोरेबल गेम एज अ कैप्टन? एज अ कैप्टन तो आ रहे जा रहे मुश्किल मैच। आई एम श्योर कोई ना कोई तो होगा मेमोरेबल मैच। हमारा मैच नहीं था इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर जलमी का, जो लास्ट ओवर में गया था, सेकंड लास्ट ओवर में पता नहीं 25 रन चाहिए थे कुछ ऐसा था, और दो ओवर में आप लोग जीत गए थे। ओ हाँ, उसने छक्का मारा था डॉसन ने। हाँ, वो अच्छा मैच जीते थे और वो था भी डिसाइडर। हाँ, वो डिसाइडर था, जिसने जीता था उसने आगे जाना था, डिसाइडर तो हम हार ही जा रहे हैं दो साल से, तो इस वजह से वो टॉप पे होना चाहिए। हाँ, मुझे वो याद है अभी तक, वहाब की बोलिंग भी याद है उस मैच की। आपका सीक्रेट बैटिंग कोच कौन है? अजू भाई। हाँ हाँ, क्योंकि मैं ना फ्रंट फुट पे ना आने नहीं होता था मेरे से, वो भी नहीं आते थे, लेग स्पिनर आता था ना वो भी नहीं आते थे फ्रंट फुट पे, स्पिनर में फास्ट बॉलर भी नहीं आता था लेकिन ये बड़े मजे की बात है कि एक लेग स्पिनर का जिसको नहीं आता उसको समझ बहुत होती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत सारे ऐसे दुनिया में एथलीट्स हैं कि जिन्होंने अपने करियर में नहीं खेली वो स्पोर्ट, लेकिन वो गाइडेंस देते हैं और कोच करते हैं, बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं। मेरा मुझे याद है 2018 के टेस्ट सीरीज में ना, मैं जब हम इंग्लैंड गए तो उधर तो आपने खेलने फ्रंट फुट पे, पीछे तो बैक फुट पे तो आपके लग गए, मैं
अब मैं और फहीम थे ऑलराउंडर, और हम लोग जैसे नेट पे खेलते थे और जैसे हमने प्रैक्टिस मैच खेले, मिकी ने कहा कि इनको मैं खेला दिया ये तो मैं वैसे ही गलत काम कर दिया। मैं जुबे से भाग रहा, मैं कहा जुबे, क्योंकि मैं पीछे रहता था, वो जब भी मैं आगे जाऊँ पीछे कीपर के पास या डंडा, मैंने कहा कहते बस तुम आगे रहना, सिर्फ सर का ना सर का सिर्फ छोटी सी चीज़ बताई जिसके बाद मुझे बड़ी हेल्प मिली। फिर मैंने 3-4 50 भी किए, फिर मैंने ना उनको सीक्रेट रखा हुआ कि लोगों को पता ही नहीं चला। लेकिन अजू भाई की एक बहुत अच्छी बात है, वो आके खुद आपको बता देते हैं। हाँ ये बहुत अच्छी बात है, और वरना तो बहुत सारे लोग हैं वो अपनी ईगो में ही रह जाते हैं कि जी मुझसे पूछेगा नहीं तो मैं बताऊंगा नहीं। वो इस उसमें और वैसे भी उन जैसा आदमी जो है ना, मैंने अपने क्रिकेटिंग करियर में मैंने बहुत कम वैसे लोग देखे हैं। थैंक यू सो मच आपके आने का शो में, और ये गिफ्ट हैम्पर हिमानी की तरफ से, पावर्ड बाय हिमानी, ये आपका। कुछ तो जीता हूँ मैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू शेयर भाई, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स और जो भी आपकी कमिटमेंट्स हैं, ख्याल रखें अपना। ये था हमारा आज का शो, देखते रहिए वाइपर्स स्ट्रेट अप विद मलिक। सी यू टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।